या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा। हंगामा न्यूज़ की नवरात्रि स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन के लिए आए हैं, जहाँ हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन कराएंगे। बता दें कि कहते हैं माँ जो होती है वो स्थिर भी है, गतिमान भी है। माँ ही सृष्टि की सृजना है और माँ ही सृष्टि का सृजन करती है। इसी क्रम में आज हम आपको यहाँ के दर्शन कराएंगे और माँ के इस रूप के महात्म के बारे में बताएंगे। प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय, हर हर महादेव। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन का विधान है। पुराणों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा जी की बेटी हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या तथा ताप का आचरण करने वाली भगवती, जिस कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। नवरात्र के द्वितीय दिन यहाँ न सिर्फ काशी बल्कि अन्य जिलों से भी लोग दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों का मानना है कि माँ के दर्शन व पूजन से उन्हें यश व कीर्ति मिलती है। माँ उनका व उनके घर के सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इस दिन लोग व्रत रखते हैं तथा माँ के दर्शन पूजन कर अपनी मनोकामना माँ से मांगते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी यानी तप का आचरण करने वाली पंडित राजेश्वर सागर पर जिस मंदिर को लेके क्या महात्मा है। शारदीय नवरात्र में ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन प्राचीन काल से होता चला आ रहा है और इनका दर्शन पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी विद्यार्थीगण पढ़ने में कमज़ोर रहते हैं, उसमें कहा गया है दुर्गा सप्तशती में कि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनंकुरु रूपं देहि जयंदेहि यशोदेहि यशोदेहि। भगवती ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का इस मंत्र का जप करने से विद्यार्थीगण को बहुत विशेष लाभ होता है, यश कीर्ति होती है, पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और गृहस्थ जीवन के लिए बताया गया है कि दोनों ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन करें और सर्वा बाधा विधर्मको धन धान सुतान्मता मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्य दिन समस्या। इस मंत्र का 25,00,000 जप करें या तो फिर नवचंडी पाठ करें। इसका पाठ करने से सभी बाधाएं दूर होती है, धन धान्य की कृपा होती, भगवती कृपा से धन धान्य परिपूर्ण आनंदमय जीवन बीतता है। ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी को खीर का विशेष भोग लगता है, उनको खीर का हवन होता है। हवन चंडी होती है तो नवचंडी में एक पाठ होता है खीर से हवन होना चाहिए। अगर नहीं हो सकता है तो दुर्गा देवी को खीर का भोग लगाएं और उसका प्रसाद पूरे परिवार में ग्रहण करें, उससे आनंद हो। ये ब्रह्मचारिणी ये अति प्राचीन मंदिर है, इसका कोई भी इतिहास किसी पुराण में नहीं है, ये अति प्राचीन मंदिर है। नहीं, ये भगवती ब्रह्मचारिणी स्वयं प्रकट भई है यहाँ पे। ये मूर्ति स्थापित मूर्ति नहीं है, ये नव दुर्गा की जितनी भी मूर्तियाँ हैं इसमें से कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है, ये स्वयंभू है, स्वयंभू मूर्ति पर अपने आप प्रकट भई है भगवती। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप त्याग वैराग्य सदाचार एवं संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। यह मंदिर सैकड़ों वर्षों से यहाँ विद्यमान है। मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु माँ के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन से संतान की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ माँ धन निधान से पूर्ण करती हैं। वहीं इस मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटित हो सके। कहते हैं माँ इस
स्वरूप में भक्तों को दर्शन देती हैं। माँ के स्वरूप में विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। कहते हैं कि माँ स्वरूप में जो भी माँ के स्वरूप का जो भी दर्शन करता है उससे उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए ये दर्शन बहुत अनिवार्य होता है। कहते हैं कि माँ के दर्शन से व्यक्ति के ज्ञान विद्या में वृद्धि होती है। अभी हमारे साथ भक्तगढ़ है, आइए जानते हैं उनसे माता के महात्मा के बारे में। आपका नाम? जितेंद्र जायसवाल। कहाँ से आए हैं आप? वाराणसी से हूँ मैं। अब माँ के स्वरूप का क्या महत्व है? बहुत ही महत्व है। ये माँ दुर्गा का दूसरा दिन है और आज ब्रह्मचारिणी देवी का दर्शन होता है, इस वजह से इनका बहुत ही महत्व है। आज के दिन इनका दर्शन जो छात्रगण होते हैं, व्यापारीगण होते हैं, बहुत अच्छी तरह से अमल लगा के दर्शन करते हैं। इनकी आराधना करने से बहुत ही अच्छी शुभकामनाएँ मिलती हैं जी। कहाँ से आए हैं आप? यहीं से आए हैं। आपका नाम? दीपक नगर। माँ के स्वरूप का क्या महात्म्य है? बहुत है, नवरात्र के दिन बहुत माना जाता है यहाँ पर। आज भीड़ काफ़ी कम देखने को मिली, ये एक्चुअली ऐसे ही होता है? अभी 12 बजे बाद बढ़ जाएगी, दोपहर बाद भीड़ बढ़ जाएगी, तो आज तो लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, आज नहीं होता जी। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मंदिर के भक्तगण। इनका कहना था कि माँ के स्वरूप का दर्शन करने से व्यापार में, विद्या में, ज्ञान में वृद्धि होती है। अभी हमारे साथ मौजूद है कोतवाली थाना अध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी सर। आइए हम इनसे जानते हैं मंदिर के महत्व के बारे में, साथ ही यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के भी बारे में बात करेंगे। सर, इस मंदिर का क्या है? देखिए, नवरात्र, ये शारदीय नवरात्र है और हिंदी वर्ष के अनुसार 4 नवरात्रियाँ होती है, जिसमें इस नवरात्रि का अपना महत्व है। ये ब्रह्मचारिणी जी का मंदिर है और जो दुर्गा सप्तशती है उसमें प्रथम शैलपुत्री जी का माना जाता है, जहाँ आप देखी होंगी जैतपुरा क्षेत्र में प्रथम शैलपुत्री जी का स्थान है और उसके बाद द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ये बाल रूप से ब्रह्मचारिणी रूप में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। और आज के तिथि में पूरे वाराणसी में सभी लोग ब्रह्मचारिणी जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ आप लोगों की भीड़ देख रही है, क्योंकि गलियाँ हैं तो गलियों में लोगों का आना जाना थोड़ा सा कठिन होता है, तो भीड़ कम है, लेकिन पुलिस की व्यवस्था मेरे स्तर से और जनपद के अन्य थानों से उपनिरीक्षक, कांस्टेबल सब लगे हुए हैं और महिलाओं की एक लाइन है, पुरुषों की एक लाइन है, क्रमबद्धता से इनको भेजा जाता है। कल नए सीरीज में नए माँ के नए स्वरूप के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।